ठेकेदारी करते रहे, उन्हीं डॉगर को टिकट नहीं मिला। वो पहले नून में खड़े थे, फिर पीटीआई में, जब उनको पता चला कि ये करप्ट लोग हैं, पैसे लेते हैं और माफिया है, अब्दुल हई दस्ती का सियाह चेहरा जिसके घर से 15 करोड़ पकड़े, अब ये भी बोल रहा है अशरफ गनी को देखेंगे सारा एक माफिया है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं और कौम ने इनको ठुकरा दिया, ये तो 200 वोट की हैसियत वाले नहीं रखते। अब मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को कह रहा हूँ कि हम इंतजार में है कि अब मरियम नवाज की इमामत में अब कब नमाज पढ़ते हो, अब उलमा से खिताब करेंगे मरियम नवाज और मरियम नवाज इमाम बनेगी और बिलावल बिल्लो रानी साहब जो है ना वो डांस करेंगे। ये इनके हालात है और पूरी कौम इनके चेहरे देख रही है। खुदा की कसम पीडीएम की जितनी लीडरशिप है, शहबाज डाकिये को देखे, जरदारी मुर्दा घोड़े को देखे, इनके वजीरों, इनके चेहरों पे सुबह शाम लानत पड़ रही है, इनके चेहरे कुत्ते से बदतर है, ये आवाम में आ नहीं सकते, इनके मुंह पे लानत पड़ रही है। हिम्मत है तो आए इलेक्शन कराए, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है, भगोड़े हो, करप्ट हो, बदकिरदार हो, माफिया हो, आप एक एस्टेब्लिशमेंट के बल बोते में टाल टाल टाइम टाइम करो। पता है पूरी कौम को आपके पीछे कौन है, पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, पता है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पे हमले कौन कर रहे हो, तुम्हारी तो एक एएसआई लेवल के बंदे नहीं हो, तुम्हारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है आप चोर हो और उस भाव चुके। इंशाल्लाह ताला अब देखें नवाज शरीफ पे क्या, जैसे शैतान पे सुबह शाम लानत बरसती है, नवाज शरीफ पे लंदन में सुबह शाम लानत बरसती है और हर तरह उस भाव चुके। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इमरान खान बनाएगा, पाकिस्तान दुनिया पे तरक्की करेगा, फौज हमारी है और जो फौज के ठेकेदार हैं जो बैठ के फौज को पीडीएम को इस पे प्रोपेगंडे करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से हमारी फौज का कद काठ भी दुनिया में आगे जाएगा और फौज को जो जो बदनाम करने वाले लोग हैं पता है उसमें जरदारी पहले नंबर पे है और नवाज शरीफ डाकू वो दूसरे नंबर पे है, जो मोदी को कहता रहा और हुसैन हकानी को कहता रहा कि मैं फौज से खतरा, ये भी पाकिस्तानी कौम को पता है कि ये फौज के खिलाफ कौन थे। पीडीआई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की मुहाफिज जमात है, पीटीआई का रास्ता किसी का बाप भी रोक सकता, हम खड़े हैं डट के खड़े इंशाल्लाह और हम हुसैनियत का किरदार अदा कर रहे हैं और हम वक्त के हर शदीद को शिकस्त देंगे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।